हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्यों इतनी जल्दी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, आज वही कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। इनमें से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही, उस चीज़ को जानेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन आज जान लेते हैं कारण। देखिए, हमेशा बोल जाता है पिगमेंटेशन जो होती है ना, सबसे पहले किसी भी चीज़ में, कोई भी बीमारी हो, वो किस वजह से है वो जानना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है तो वो ठीक होने के चांसेस कहीं ना कहीं हमारे बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि हम एक्सपेरिमेंट करें। तो अब हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे जहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो करना क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इनमें से जो जिस भी चीज़ से आप रिलेट करते हो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और आप मुझे कमेंट करेंगे, उसके बाद हम उन चीज़ों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है पिगमेंटेशन का कारण। देखिए, पहले बोला जाता था कि सन की वजह से पिगमेंटेशन होती है, सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, और पिगमेंटेशन सन की वजह से हो रही है। तो आपको सन में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है, आप सनस्क्रीन लगाइए। पहले नहीं, एक्चुअली अभी ये टाइम आ गया है कि लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जो कि ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि हर दिन। तो अभी जो पिगमेंटेशन का कारण है ना, वो ये है कि हम सन से बहुत ज़्यादा बच रही हैं, सन में अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। लोग सन बाथ लेते हैं और हम वहीं उस सन से बचने के लिए अपने आप को पे सनस्क्रीन थोपते रहते हैं। तो प्लीज़, ये आपने नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि सन की वजह से आपकी स्किन टैन हो सकती है, लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं सन की वजह से होती है, अगर जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को देखा है। तो सबसे पहला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि मैं अपनी कैटेगरी में रखती हूँ, जो कि मैंने महसूस किया और मैंने उस चीज़ पे काम भी किया है, वो है हमारा स्ट्रेस। अब देखिए, बहुत से लोग बोलेंगे हम तो हाउसवाइफ हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। लोगों को लगता है ऐसे कि हम, इन्हें क्या स्ट्रेस होगा, इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। सडन करके कोई बात जब घर में होती है और हम किसी के ऊपर टूट पड़ते हैं और बस झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस ही होता है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि हम पागलों जैसी हरकतें करें, स्ट्रेस होता है कि कोई हमें छोटी सी बात बोले और हम उसको इतना बड़ा करके उसका रिप्लाई देते हैं, यही स्ट्रेस होता है। दिन भर कोई बात हमारे माइंड में चलती रहती है, क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, ये हमारे स्ट्रेस का कारण बनती है, हो जाता है। देखिए, फैमिली में ऐसी चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब आपको टाइम मिले, झगड़ा हुआ या कुछ भी चीज़ हुई, तो एक बार अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपने माइंड को शांत करो और खुद से बातें करो और उस चीज़ को सोल्व कर लो। ये एक फैक्ट है कि ये चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, लेकिन देखना ये है कि आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। उसका सीधा सा अगर मैं बताऊँ कोई एक सिंपल सा तरीका, तो वो है मेडिटेशन। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो, वही आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, जो कि है हमारी ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, इसने क्यों किया, ये क्यों हुआ, या फिर बच्चों को लेके भी हो सकती है, हस्बैंड को लेके हो सकती है, फैमिली में तो चीज़ें होती ही रहती है ना। तो सबसे बहुत आसान है, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, खुद से बातें करो। पागल नहीं होते हैं खुद से बातें करने से। खुद से बातें करने का मतलब है कि अपने आप को समझो कि इतनी छोटी सी बात थी और मैंने इतना बड़ा बना दिया, वही वो बात ख़त्म भी कर सकते थे। तो हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया करो और आगे बढ़ने की कोशिश किया करो, ना कि उस चीज़ को लेके बैठ के पकड़ के बैठ जाओ, कहीं ना कहीं वो आपको ही प्रॉब्लम करके आपके सामने आएगी। तो इससे बेहतर ये है, सबसे पहला यही रीज़न है। तो आप इस चीज़ से बचें, जल्दी उठें, वॉक करें, खुद को टाइम दें। दूसरी जो चीज़ अब यहाँ पे आती है, वो आती है कि हमारा जो डाइट है, जो हमारा खाने का तरीका है, डाइट वाइट कुछ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि खाने का तरीका जो है। देखिए, पहले जब फेस्टिवल्स होते थे तभी हम कुछ बाहर का खाते थे, या फिर कोई मिठाई हुई या कोई फ्राइड ऑयली चीज़ जो है ना, वो उसी टाइम पे खाते थे। आजकल क्या है, जब मूड किया, जिस टाइम पे मन किया, उसी टाइम हम बना लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और उस टाइम पे जो फ्राइड चीज़ें हम खाते थे ना, वो एक तो घर में बनती थी, ऑयल अच्छा होता था, घर में सरसों का निकला हुआ तेल होता था, घर का बना हुआ घी होता था, उसी में फ्राई होती थी। ये जितने भी ऑयल आजकल चल रहे हैं ना, ये पहले नहीं थे, यही रीज़न है सबसे बड़ा। तो आपने भी क्या करना है, ऑयली फूड को कम करना है। अगर कभी खाते भी हैं तो खुद से बनाएं अपने हाथों से अच्छा घी और अच्छे ऑयल से, लेकिन कोशिश करें कि वीकली इन चीज़ों को ना खाएं, सबसे बेस्ट है।
दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि हमारा जो आटा है, हम चोकर वाला आटा यूज़ नहीं करते हैं। पहले हम चोकर का आटा यूज़ करते थे, इससे हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा रहता है। तो और आजकल हम या तो आटे को छान के यूज़ करते हैं, हम मार्केट से लेके आते हैं, वो इतना फाइन होता है ना कि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे फाइबर क्या करता है, पानी को होल्ड करता है और उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम करता था। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी को आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो वो आपको पता लग जाएगा सडन करके। जब कभी भी आप उठते हो, आपको चक्कर आ जाते हैं या कभी भी आपको एकदम से काला आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तो ये सारे आपको पता लग जाएंगे। या फिर आप एक बार चेक भी करवा सकते हैं कि आपका जो ब्लड है वो कितना है इस टाइम पे। एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो रीज़न मैंने देखा है ना, वो ये है कि हम लेडीज़ का जो पीरियड सर्कल होता है मंथली, वो किसी का या तो बहुत कम होता है या किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर किसी को बहुत दो दो तीन तीन महीने छोड़ के होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होता है। होता क्या है एक्चुअली, जब हमारी बॉडी में मतलब पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो हमारी जो डार्कनेस फेस पे दिखती है ना, वो मेलानिन होती है। मतलब जो जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे डार्क कलर दिखने लगता है, मतलब पिगमेंटेशन दिखने लगती है। तो आपने देखना है कि कहीं ना कहीं मतलब जो रीज़न है ना, वो हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एप्लीकेशन लगाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता है कि उसका कारण क्या है और काम हम किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए अब हम सिर्फ पहले कारण को जानेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे और उसको जड़ से ख़त्म करेंगे। इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपका भी मंथली रूटीन जो है, पीरियड्स का जो है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसके ऊपर काम करें। देखिए, डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर से मैंने जो भी मेडिसिन लेना, मुझे उससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिला किसी भी तरह का। हालांकि जो चीज़ें मैंने घर पे की, होममेड रेमेडीज़ जो मैंने ट्राई की या जो मैंने खाया, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं रीज़न की। एक और रीज़न हो सकता है जो होता है, हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है और हमें लगता है ये तो हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है। हालांकि है भी, ठीक है, 90 से ज़्यादा लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होगी जो कि है वाइट डिस्चार्ज की, और इवन अब तो टीनएजर्स में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सबको लगता है ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम डॉक्टर को कहते हैं कि जो मर्जी हमारा जितना पैसा है जो भी लग जाए, बट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज, जो सफ़ेद पानी आता है, वो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगेन, उसको भी हम घर पे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके नियर अबाउट कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वहाँ से जाके आप ट्रीट लीजिए, नो डाउट। लेकिन हम इसको घर पे भी रह के ठीक कर सकते हैं। मैं कहूँगी पहले ट्राई कीजिए, ट्राई करें 1 से 2 महीना। अगर नहीं आपको रिजल्ट्स मिलते, फिर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक बार डॉक्टर अगर आपके पास आयुर्वेदिक कोई है, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर डिस्कस करें। वो भी आपको कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खा ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि धूप में जो हम नहीं जाते हैं, वो भी एक कारण होता है। तो अपनी बॉडी को धूप देना, सन में जाना, एक्सपोज करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुबह की जो धूप होती है वो, ना कि दिन की जो तेज़ धूप होती है, उसमें नहीं जाना है। हमें अर्ली मॉर्निंग जो धूप आती है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। और आप एक बार जाके देखिए धूप में, जब आप धूप में जाते हैं ना, तो आपको फील होगा कितना अच्छा फील होता है। मुझे तो इतना अच्छा फील होता है, मेरा मन नहीं करता नीचे आने का। लाइक और एक ऐसी इतनी अच्छी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं पहले जो हमारी बॉडी को चलने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, वो होती है हवा, पानी, धूप। और हम ये तीनों ही चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हैं और बाकी चीज़ों को ठीक करते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। और जो रीज़न है जो हमारी पिगमेंटेशन का, वो है हमें कब्ज़ होना। अगर आपको कब्ज़ रहती है, तो आपकी आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पिंपल्स हो सकते हैं, वो आपकी पिगमेंटेशन हो सकती है। और प्लीज़ मत कोशिश करना कि 1 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएं, जो कि नहीं होती हैं। एनी हाउ चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, जब हम उनको नेचुरल तरीके से ठीक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको कब्ज़ रहती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, उसके ऊपर काम करना है। और उसके लिए आप फ्रूट्स जब खाएंगे ना, जो डाइट हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं,
वो अगर आप खाओगे तो आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सोल्व होती रहेंगी, और जितना हो सके जूसी फ्रूट हमने खाना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसके साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि हम एक और अवेयरनेस फैला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।